हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, लास्ट की वीडियो में आप सब ने भर भर के प्यार करा एंड यू नो इतना प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स करे एंड मैंने जहाँ तक कोशिश हो पाई मैंने सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जिसका नहीं कर पाई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप सब ने डिमांड भी रखी, किसी ने डिमांड रखी कि मेरे को लव से रिलेटेड जानना है। देखिए, हमारी लाइफ में ना समस्याएं लगी रहती हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर समस्या पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि जिनको जो दिक्कत है वो उस हिसाब से लें। क्योंकि कई बार ऐसी भी दिक्कत होती है जो हम हर किसी से नहीं शेयर कर पाते, नॉट इवन आर फ्रेंड्स और फैमिली। होता है कई बार, लाइक कोई परेशानी आ जाए तो हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, ये सोच के कि उनकी हेल्थ ना इफेक्ट हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए। तो ऐसी ऐसी परेशानियाँ ना हो, तो इसीलिए अब जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि किस बारे में वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बुकिंग्स ओपन हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके और मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। साथ ही अगर आप एनर्जाइज हीलिंग ब्रेसलेट, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे से होते हैं, एनर्जाइज हीलिंग ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड हीलिंग सेशंस के लिए भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। एंड साथ ही फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पेज पे द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो पे। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आज का हमारा जो पहला पहला एक रेमेडी है, जो कि है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं, मैं ये नहीं बोल रही सबके साथ लगी रहती हैं, बट अक्सर होता है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम, अब जैसे आप मौसम बदल रहा है, हम फरवरी के महीने में है और फरवरी से मार्च में, विंटर से जब हम स्प्रिंग में आते हैं तो मौसम अप डाउन होता है एंड जिसके चलते हमें बहुत गला खराब, जुकाम, ये सब लगा रहता है। तो उसके लिए मैं पहले तो आप लोगों को मेरा खुद का गला खराब है, सॉरी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक स्विच वर्ड। ये वर्ड अगर आप चैंट करते हैं, ठीक है, अगर आप ये वर्ड को चैंट करते हैं, चैंटिंग करते हैं गाइस, चैंटिंग मिनिमम 51 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स पूरे दिन में। तो 108 या 51 टाइम्स अगर आप ये वर्ड को चैंट करते हैं, आपको डेफिनेटली इफेक्ट मिलेगा उसका, पॉजिटिव इफेक्ट। तो गला खराब, जुकाम अगर आपको लगा हुआ है और मौसम के चलते, मौसम बदल रहा है उसके चलते अगर गला खराब जुकाम है आपको, तो आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। उसका नाम है एल्डरबेरी, ओके। मैं आपको स्पेलिंग लिख के दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं एक पेपर ले लूँ। तो स्विच वर्ड आप लोगों के लिए है ठीक है, इसमें गैप नहीं देना, ओके। मैं आपको दोबारा लिख के दे देती हूं, ऐसे लिखना है एल्डरबेरी, ये गैप नहीं देना, ओके। एल्डरबेरी आप चाहें इसको चैंट कर सकते हैं, आप चाहें इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे रेमेडी की हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर आपके फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहता है, अक्सर आप देख रहे हैं कि आपके बजट हिल रहा है दवाइयों की वजह से, कभी कोई बीमार रहता है, कभी कोई बीमार रहता है, तो उसके लिए आपने ध्यान देना है अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में। जी हाँ, ईस्ट डायरेक्शन में आपने ध्यान देना है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका अगर आप ग्रीन कलर कर देते हैं, मान लीजिए अगर आपकी दीवार है, वॉल है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप उसको ग्रीन कलर का पेंट कर दीजिए। पेंट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन कलर के प्लांट्स का इस्तेमाल करें। ईस्ट डायरेक्शन में आप जितना हो सके ग्रीनरी रखें,
प्लांट्स रखें वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, और जो खर्चा आपका आपकी हेल्थ पे हो रहा है या आपकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ पर खर्चा हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड रेमेडी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये सारी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, जो भी आपको रेमेडीज दी जा रही हैं वो मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी देती हूँ क्लाइंट्स को, और उनको फ़ायदा भी हुआ है, टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास। ओके, तो ट्राइड और टेस्टेड रेमेडी है, ऐसे ही नहीं वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी रेमेडी हमारे इस चैनल से लेके ट्राई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सॉरी, अगली रेमेडी जो हमारे लिए है, हमारे परिवारजनों के लिए, देखिए जो बीमार है वो तो इंसान लेटा ही हुआ है, रेस्ट कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा परिवार में एक इंसान बीमार पड़ता है एंड पूरा उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे आता है। ओके, हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है, जो हमारी दिनचर्या है उसमें भी इफेक्ट आता है। तो परिवार के लोग ज़्यादा बीमार ना पड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्डरबेरी स्विच वर्ड, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप इस डायरेक्शन में या तो ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हैं दीवार पे, या फिर आप कर सकते हैं प्लांट्स रख सकते हैं, हरियाली रख सकते हैं इस डायरेक्शन में। उसके अलावा, इन दोनों रेमेडीज के अलावा तीसरी रेमेडी आप लोगों के लिए है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी डॉग्स होते हैं, ठीक है, घर के बाहर डॉग्स होते हैं ना, आप उनको खाना खिलाइए, फीड कीजिए उन्हें। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल दूँ, मैं ये नहीं बोल रही एक बार भी कि आपने सिर्फ ब्लैक कलर के डॉगी को खाना खिलाना है। आपके फैमिली में एक चीज़ बता दूँ, जितने फैमिली के मेंबर्स हैं ना उतने डॉग्स को खाना खिलाइए डेली। ओके, अब मान लीजिए आपके फैमिली में चार लोग हैं तो आप चार डॉग्स को खाना खिलाएंगे। मैं ब्लैक कलर के डॉग को नहीं बोल रही, आप किसी भी डॉग को खाना खिला सकते हैं। ओके, बट उनको खाना खिलाना है, उनको फीड करना है, ताकि जो भी आपके परिवार में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको खाना खिलाइए, और आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं मेडिसन्स में और ये सब कुछ, धीरे धीरे आपके परिवार के लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। एंड देखिए, ऐसे ही नहीं बोला जाता ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि हमारी वेल्थ भी इक्वली इफेक्ट होती है, हमारी हेल्थ से इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट आप लोगों के पास आया है, मुझे ज़रूर बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, बट आई बिलीव ये काफ़ी असरदार रहेगी उन सभी के लिए जो काफ़ी परेशान हैं अपनों की हेल्थ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए। ओके, इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।